दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान आखिरी बार फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आए थे। इस मूवी में उनके साथ करीना कपूर भी लीड रोल में थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद यह रिपोर्ट सामने आई कि आमिर खान ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया है। हालांकि इसकी शुरुआत में आमिर खान को लेकर एक खबर वायरल हुई थी कि आमिर खान ने चैंपियन नाम की एक हॉलीवुड मूवी का हिंदी रीमेक बनाने का फैसला लिया है। इस मूवी के लिए आमिर खान बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को लेना चाहते थे, लेकिन सलमान खान ने इस मूवी को करने से मना कर दिया था। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान को आमिर खान की चैंपियंस की स्क्रिप्ट काफी पसंद थी। हालांकि कम टाइम की वजह से भाईजान को यह फिल्म छोड़नी पड़ी। बताया जा रहा है कि डेट इश्यू के चलते भाईजान ने इस मूवी को छोड़ दिया है। चैंपियंस के लिए सलमान खान और आमिर खान में बातचीत हो गई थी और जून से वो इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने वाले थे। जून में उन्हें किसी और मूवी की शूटिंग करनी है तो उन्होंने आमिर का यह ऑफर ठुकरा दिया। अब रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान इस मूवी में रणबीर कपूर को लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन रणबीर कपूर भी शायद ही इस मूवी के लिए हाँ करेंगे, क्योंकि रणबीर कपूर का रिकॉर्ड है, उन्होंने अब तक कोई रिमेक मूवी नहीं की। खैर, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने इस रिमेक मूवी को करने से मना कर दिया है, ऐसी खबरें हैं, और ये सही किया ऐसा सलमान फैंस मानते हैं। जी हाँ, सलमान खान के पास मूवीज की कोई कमी नहीं है, उन्हें आए दिन नए नए फिल्मों के लिए अप्रोच किया जाता है। ऐसे में सलमान खान रिमेक मूवी करेंगे तो फैंस थोड़े बहुत नाराज तो होंगे ही। खैर, जो भी हो, सलमान खान अब रुकने वाले नहीं है और एक के बाद एक लगातार कई फिल्में लाने वाले हैं। जी हाँ, कई फिल्म क्रिटिक मानते हैं सलमान खान की आने वाली मूवीज बॉक्स ऑफिस पर छा जाने वाली है। वही दोस्तों, बता दे चले, सलमान खान हाल ही में फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आए थे। इस मूवी को लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। और अब दोस्तों, सलमान खान जल्दी टाइगर 3 में दिखाई देने वाले है। इस मूवी में उनके साथ इमरान हाशमी और कैटरीना कैफ भी लीड रोल में है। फैंस इस मेगा बजट फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सलमान खान को रिमेक मूवी करनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।